पन्ना जिले के अमानगंज कृष्ण विहार हाउस के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति को अज्ञात ट्राला ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अमानगंज सिमरिया के बीच में जेके सीमेंट का प्लांट जब से लगा है, तब से बड़े बड़े वाहन भी लगाम होकर दौड़ती है, जिससे कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी अभी भी मौन है। इसी के तहत मृतक के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जीके सीमेंट से मांग रखी कि परिवार का भरण पोषण करने की मांग रखी और कहा कि परिवार का भरण पोषण करने वाली जीके सीमेंट के वाहनों से काल की गोद में समा गया है, इसलिए मृतक के परिवार को एक नौकरी दी जाए। वहीं इस मांग के चलते रोड पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। बड़ी समझाइश के बाद तहसीलदार के हाथों कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, तब जाकर जाम खुला। पन्ना से राजेश पांडे की रिपोर्ट। हमारा काम था, हम क्या है कि मारते हैं, हमारा काम था वेयर हाउस में, उन्हीं का काम था भाई का, तो बोले कि यहाँ काम कर ले, तो हमने कहा हम उतर रहे, और ऐसा नहीं कि भाई पास में कोई ट्रक रिक्शे तो टकरा जाओ, तो दोनों जने वहाँ इनको वो आदमी नहीं मिला, वहाँ से दोनों पैदल आ रहे थे, पैदल आने पर इधर अमानगंज तरफ से एक जीप आई सफेद, तो सफीर को ट्रक वाले ने पीछे करके वो किनारे से निकाला, जबकि हम लोग दोनों पटरी पे थे। कौन कंपनी का ट्रक था, कहाँ है? सफेद कलर था, आगे ट्राला टाइप का था। मतलब मालूम नहीं है, मालूम नहीं है ना, नंबर देखा हमारा भाई खत्म हो गया, तब नंबर कहाँ है? के समय ट्रक रुका है? बिल्कुल एक मिनट नहीं रुका है, सूचना मिली थी, मौके पर स्टाफ आया था, तो ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया है। हम लोग, हमारी टीम एक्टिव हो गई है, साइबर की टीम और थाने की टीम पूरी एक्टिव है, जल्दी से जल्दी हम उस वाहन का भी पता लगाएंगे और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पूर्व भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं ज्ञापन आपने दिए, जो भी घटनाएं हुई हैं अभी तक मेरे कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसी घटना एक्सीडेंट की नहीं रही है जिसमें वाहन न पकड़ा गया हो। दो भाई हैं चौबे जी परिवार के, चौबे परिवार के माहौल के, वो लोग पैदल पैदल आ रहे थे तो किसी वाहन ने टक्कर दे दी है, तो जिससे एक भाई जो बड़े वाले उनकी डेथ हो गई है, दूसरे वाले भाई साहब जो है उनसे बातचीत भी करी है, गाड़ी के बारे में जानकारी दी है, अज्ञात वाहन है तो उसकी तलाश कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे जो हमारे रास्ते में उनको चेक करा रहे हैं, और टोल बैरियर्स जो है उनकी हमने कवर कर लिए, शाहनगर सलेहा और अपना पन्ना तीनों जगह पर बल लगा हुआ है जो सस्पेक्टेड वाहन को चेक कर रहे हैं। वो उनका काम था वेयर हाउस में, कोई तो वो काम करके पैदल आ रहे थे, साथ में मेरे पिता भी जीवित थे, तो यहाँ से अमानगंज साइड से जेके सीमेंट कंपनी की तरफ एक ट्राला निकला, सफेद कलर का था, आगे से वो ओवरटेक किया किसी गाड़ी को, जीप को, और ओवरटेक के चक्कर में वो लोग पटरी के नीचे थे, रोड के नीचे थे, ओवरटेक करने के चक्कर में उसने पटरी के वहां तक नीचे तक ले गया गाड़ी, और चलाते हुए ले गया, उनके सिर के ऊपर से टायर चढ़ाया गाड़ी का। आज ये आपके द्वारा ये चक्का जाम किया गया है, अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिले, घर में अकेले भरण पोषण करने वाले थे, मुखिया थे, और घर के मुखिया थे, उनको उचित मुआवजा मिले, और जेके सीमेंट कंपनी द्वारा उनके लड़के को एक नौकरी दी जाए परमानेंट कंपनी में, और प्रशासन से मांग है कि स्पीड लिमिट बनाई जाए और सीसीटीवी कैमरा जहां पे उचित हो, मतलब जरूरी हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए। आज ये घटना हुई है ग्राम महोड़ तहसील पवई निवासी श्री रामनाथ जी चौधरी, जो कि महोड़ से अमानगंज की ओर कार्य से आ रहे होंगे, वो यहां पर ऑटो से उतरे हैं, उतर के पैदल ही जा रहे थे शहर की ओर, ये मार्ग अमानगंज से सिमरिया मार्ग में, और यहाँ पर उनकी किसी अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से जो है, और मौके पर ही उनका दुखद जो है यहाँ पर निधन हो गया है। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा और आम जनता के द्वारा रोष प्रकट किया गया कि इस रोड में अत्यंत तेज वाहन से जो है सीमेंट से लोडेड ट्रक और अन्य वाहन भी बहुत तेज गति से चलते हैं, जिस कारण आए दिन यहां पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और दुर्घटना हो भी जाती है।